हेलो गाइस, तो मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ फेसबुक एप्लीकेशन में प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं और प्रोडक्ट किस तरह से बेचते हैं। अगर गाइस आप लोग फेसबुक एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आप लोग एक मार्केट प्लेस वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा। जब आप लोग उधर पर क्लिक करते होगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग को कपड़े देखने के लिए मिल जाते हैं, शूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं, वॉच देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन गाइस कि आप लोग को पता है कि आप भी कुछ इसी तरह से अपलोड कर सकते हो प्रोडक्ट को, और आप लोग भी सेल कर सकते हो और आपके पास भी ऑर्डर आएंगे और आप लोग भी उन तक पहुंचा सकते हो। तो मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ फेसबुक एप्लीकेशन में प्रोडक्ट वगैरह कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखो आखिरी तक, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को जो है फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप लोग फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को अपना अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप लोग को क्रिएट कर लेना है। एंड जब आप लोग का अकाउंट लॉगिन एंड क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप लोग के सामने एक ऑप्शन आएगा इधर पर मार्केट प्लेस वाला, जहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो आप लोग को इधर पर क्लिक कर देना है। जब आप इधर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। आप लोग को प्रोडक्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप लोग को ऐड कैसे करना है, उसके लिए आप लोग के सामने एक ऑप्शन आएगा सेल वाला। तो आप लोग को सेल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप इधर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोग को नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। इधर पर आप लोग को ना एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग को शॉपिंग वाला एक लोगो देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग को इधर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब आपके सामने फर्स्ट में एक ऑप्शन आएगा ऐड फोटो का। तो आप लोग जिस भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, आप लोग को उसकी फ़ोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। अब आपको इधर पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहले तो आप गैलरी से सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपके गैलरी में फ़ोटो नहीं है तो आप लोग को कैमरा वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको कैमरा वाले ऑप्शन में क्लिक करके डायरेक्टली फ़ोटो को क्लिक करके अपलोड करना है। तो इधर पर हमारे पास जो है गैलरी में पहले से है, तो हम गैलरी वाले ऑप्शन से क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी फ़ोटो को एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर पाओगे, एक या दो जितनी भी है। इधर पर हम एक फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर सट की फ़ोटो है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर उसके बाद आप लोग को ऑप्शन और मिलता है कि अगर आपको एक से दो फोटो ऐड करना है तो आप ऐड फोटो पर सिलेक्ट कर सकते हो, तो एक और फोटो भी आप लोग ऐड कर पाओगे। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, इधर पर आपको टाइटल वाला एक ऑप्शन मिलेगा। आप लोग को टाइटल देना है, जैसे कि आप लोग शर्ट को बेच रहे हो। जैसा मैं शर्ट को बेच रहा हूँ तो मैं इधर पर शर्ट लिखूंगा, ठीक है। इधर पर जो भी कंपनी की शर्ट वगैरह है वो सब आप लोग को लिखना है, कुछ इस तरह से। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमने लिख दिया। उसके बाद आप लोग को प्राइज वाले एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको प्राइज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इधर पर प्राइज आप लोग को टाइप कर देना, जितनी भी प्राइज आप लोग इसको रखना चाहते हो। मैं 299 रुपीज़ में इसको सेल करूंगा तो मैं 299 रुपीज़ रख देता हूं। उसके बाद इधर पर कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी टी शर्ट की। अगर नहीं होती तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो जिस कैटेगरी का, तो आपको इधर पर सेलेक्ट करना पड़ेगा इधर पर क्लिक करके, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपको कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से कैटेगरी को सेलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद आप लोग इधर पर भी सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग के सामने एक ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, जहां पर गाइस आप लोग को फुल डिटेल देना है। जैसा कि मैं टी शर्ट को सेल कर रहा हूं तो मैं इधर पर सब डिटेल दे सकता हूं कि मैं इधर पर आप लोग से चार्ज वगैरह लूँगा या नहीं लूँगा, इधर पर मैं कैश पेमेंट लूँगा या नहीं लूँगा, ये सब डिटेल दे सकते हूँ। जैसा कि मैं टी शर्ट को सेल कर रहा हूँ तो इसके मेरे पास कौन कौन से जो नाप हैं, कौन कौन से साइज हैं, वो मेरे पास अवेलेबल हैं, वो सब की आप लोग को इधर पर डिटेल देना है। तो मैं इधर पर डिटेल दे दूंगा कुछ इस तरह से। जो भी साइज मेरे पास अवेलेबल है मैं उस साइज की भी डिटेल दे दिया हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको डिटेल देना है। उसके बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को इधर पर ना सब कुछ आप लोग को मिला लेना है कि बिल्कुल सही है या नहीं, आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आप लोग के सामने एक ऑप्शन आएगा पब्लिक वाला, तो आपको पब्लिक वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग पब्लिक वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके इधर लोडिंग्स वगैरह होने लगेगी। जो भी शर्ट आप लोग ने जो भी प्रोडक्ट अपलोड किया है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस में आ जाएगा। अब इधर पर एक्टिवेट हो रहा है तो आप लोग को थोड़ा वेट करना है। जैसे आप लोग इधर पर क्लिक करोगे
उसके बाद आप लोग देख पाओगे कि जो है बिल्कुल ही अपलोड हो चुका है एंड अभी रिव्यू में गया है, अभी रिव्यू भी होगा इसका, उसके बाद ये पूरी तरह से अपलोड होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग को वेट कर लेना है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सर देखो यार, कुछ इसी तरह से आप लोग प्रोडक्ट को अपलोड कर पाओगे एंड आप लोग सेल भी कर पाओगे। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आती है ना तो इस वाली वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो इतनी ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।